हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा आज जुम्मा जुम्मा है। आप सबको जुम्मा मुबारक। 19 तारीख 8वां महीना 2022 और इस वक्त 3:15 हो रहे हैं दोपहर के। तो आज हमारा सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ये जोन तो था ही नहीं, ये जोन मैंने मार्क किया हुआ नहीं था। आप लोगों ने, कई लोगों ने किया हुआ था, मेरे ग्रुप में भी किया हुआ था। मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये जोन है ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रैप है, आप इसको फॉलो ना करें। लेकिन ज़ाहिर लोगों ने किया हुआ था। ये पैटर्न जब आप समझ जाएंगे, इसके अपनी आइज़ को ट्रेन कर लेंगे, तो आपको इसके नीचे और ऊपर का जोन लगेंगे नहीं, ठीक है। जो मैंने कहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मार्केट ने इसको एकदम ब्रेक डाउन किया। हम इसको जोन के तौर पर नहीं, हम इसको स्ट्रक्चर के तौर पर ले रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ पर हमें कोई स्ट्रक्चर देती है तो हम इसको वापस, आप मेरी कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, हम यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ ना सेल का स्ट्रक्चर दिया, इसको सीधा जो है वो ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, देन अगेन जो हमारा जो सब डिमांड एरिया है मार्केट इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अभी 45 मिनट हैं कैंडल ड्रॉप होने में, देखते हैं क्या कंफर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, तो फिर देखेंगे। अभी फिलहाल ये डिमांड जोन पर आपने वॉच करना है, इसको क्लोजली कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ मिला तो हम यहाँ तक की आराम से बाय कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाए, तकरीबन 15 या 20 पीप ऊपर जाए, आप इसको फौरन से ब्रेक इवन कर लीजिएगा। अच्छा जी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ऐसे नहीं। अच्छा, यूरो में हमने ये कल एरिया मार्क किया था, एक न्यू सप्लाई जोन मार्क किया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो मेन जोन है एक ये और एक ये हमारा मेन एरिया है और ये हमारा इंटरमीडिएट एरिया है, ठीक है। मार्केट जो है वो यहाँ पर भी नहीं आई, हमारे डिमांड जोन जो हमने H4 में मार्क किया था वहाँ पर भी नहीं आई। ये 50-50 जोन है, हमने मैंने आपको बताया था इस बारे में। जल्दी से हम गोल पे देखते हैं। अच्छा, गोल का हमने ये एरिया मार्क किया है, मार्केट अभी नहीं आई है और स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है कि मजीद इसी तरीके से मार्केट ड्रॉप करेगी, ठीक है। तो पॉसिबल एरिया हमारा यही है। कुछ लोगों ने इसको भी मार्क किया हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल इम्बेलेंस यहाँ पे क्लोज हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लोज हुआ हुआ, अगर इसको लें यहाँ पे भी क्लोज हुआ हुआ, तो आपके SL यहाँ हिट हो सकते हैं। तो रिस्की एरिया है, इसको अगर आप लोगों ने मार्क किया हुआ है तो रिमूव कर दें। ये हमारे पास एक एरिया है, थोड़ा सा ढंका एरिया है ये है, और उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला है, ये एरिया और ये पूरा एरिया है जो हमने बहुत पहले मार्क किया हुआ, ठीक है। ये एरिया हमारे पास मौजूद है, सप्लाई का मैंने आपको काफ़ी दिन से बता ही रहा हूँ हमारे पास मौजूद है। ये हमने कल न्यू ऐड किया, ठीक है। अच्छा, OZUSD में चलते हैं। OZUSD भी हमारे पास आई थिंक, अच्छा ये इस एरिया का मैंने आपको बताया था, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इम्बेलेंस जो है छोड़ के गई है, इसका असर आपको यहाँ पे दिख चुका है। इस मार्केट ने इसको यहाँ पे टेस्ट करके रिस्पेक्ट दिए और एक अच्छी कैंडल बनाई है, लेकिन मार्केट इसको शायद जो है वो मुझे लग रहा है शायद नहीं कि मार्केट इसको सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बताई थी कि क्यों हमने मार्क किया हुआ था। तो हमारा जो एक एरिया ये है, ये नील एरिया है बिल्कुल, ये पिवट जोन है और हमारा मेन एरिया ये है, ठीक है। ये मैं आपको तकरीबन 2 हफ्तों से बता रहा हूँ। अच्छा जी, और JPY में मार्केट ने हमारा ना डिमांड टेस्ट की है ना सप्लाई टेस्ट की है, तो हम वेट करेंगे और बीच में भी। अच्छा, ये मैंने मार्क नहीं किया था, अब मुझे जो सिचुएशन लग रही है थोड़ी सी, लिक्विडिटी की, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। लेकिन ये टेस्टेड है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रख, टेस्टेड नहीं है, इसका इम्बेलेंस बिल्कुल नहीं बल्कि टेस्टेड भी है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहीं पर कम हो जाती है। डीप डाउन टेस्ट नहीं है, लेकिन ये टेस्टेड एरिया है, तो हम इसके 50% तक इसके जो है वो हम ले सकते हैं मार्केट के ऑर्डर। तो मैं इसको 30 out of 100 दूंगा इसको मैं, ठीक है। जब हमारा 50 से नीचे गिर जाता है तो हम एंट्री जो है वो बहुत ध्यान से लेते हैं या लेते ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक लिक्विडिटी बेस्ड एरिया है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। आप देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन मिले। जोन दिखना, मार्क करना ये बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखना उस जोन की ये अलग चीज़ है। यही चीज़ मैंने आपको
अपने पारा लेक्चर में सिखाई है। जोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी आपको देख किस तरीके से आप जांचेंगे वो आपको लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, जीबीबी यूएसडी हमारा जीबी यूएसडी का मैंने आपको बताया था, ग्रुप में बताया था कि मार्केट जो है इस लो को टारगेट के, कल ही बताया था देखिए कितनी यहाँ मार्केट थी और मार्केट यहाँ पहुंच चुकी है। ये फिगर मैंने कल ग्रुप में बताई थी 1856 आई थी, 1856 या 59 या बताई थी, और मार्केट एग्जैक्टली इसी को, ये सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट डाउन में तो लो ही इसका टारगेट होगा, ये वाला लो इसका टारगेट करेगा मार्केट इसको। तो हमारा पॉसिबल जो बाय एरिया हो सकता है वो ये हो सकता है, इससे पहले बाय आप सोचना भी नहीं, यहाँ से पहले ठीक है 18 से पहले आप बाय का जहन में भी मतलब ये का कि हमने बाय करना है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, क्योंकि ये सारे जो अभी फिलहाल पाउंड के जो, क्योंकि ब्रेक्सिट से एग्जिट होने वाला है, ऑफिशियली एग्जिट होने वाला है, क्योंकि टाइम दिया था, तो ऐलान तो पहले हो चुका था लेकिन अब ऑफिशियली एग्जिट होके जो अपनी मामलात हैं वो करने वाला है बरतानिया, तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा मार्केट पे और ऑलरेडी पड़ रहा है। हमें सेलिंग के चांस भी नहीं मिल रहे, इतने बड़े बड़े इम्बेलेंस मार्केट क्रिएट कर रही है और हम मजबूर हैं कि हमें सिर्फ क्वालिटी एरिया ही देखना है। तो यहाँ पे एक अच्छा एरिया मार्केट ने लीव किया है वो ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है इसको 30 मिनट, हाँ बिल्कुल यही है एरिया, ठीक है तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बनता है हमारा 1983। स्ट्रक्चर बेस नहीं है, मतलब एसएनडी स्ट्रक्चर है, वैसे जो हमारा स्ट्रक्चर होते हैं बीओएस वगैरह ऐसा नहीं है, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी मौजूद है तो हम इसको यहीं पे रखेंगे। मैं समझता हूँ ये 60-70% इसकी एक्यूरेसी हो सकती है अगर इसी तरीके से मार्केट ड्रॉप कर रही है, देखते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है मार्केट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे भी हमें सेलिंग का चांस मिल सकता है क्योंकि मार्केट इतने बड़े बड़े इम्बेलेंस छोड़ के जा रही है, ठीक है। अच्छा जेपीवाई हमारा कल बड़ा प्यारा चला था, ठीक है बहुत अच्छा चला था और मार्केट ने, अच्छा यहाँ से मार्केट मुड़ गई, यहाँ से नहीं मुड़ी है, यूएमएल मार्केट ने रिस्पेक्ट दिए, एरिया हमारा अभी भी मौजूद है आई थिंक, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा इस जगह पर क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बिग कैंडल बना के नीचे कर चुका, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है और ये टेस्ट नहीं करता है ब्रेक होने से पहले तो हम इसको एज अ सप्लाई जोन ले लेंगे, बाकी हमारा जो एरियाज है वही मौजूद है। यूएसडी के काफ़ी दिन से नहीं किया, ऊपर जा रहा है हमारे एरियाज की तरफ, ये एरिया काफ़ी अच्छा है, मैंने मार्क किया हुआ है इसको और ये हमारा मेन एरिया है, ठीक है H1 का चार्ट में ये हमने मार्क किया था काफ़ी दिन पहले, मार्केट ने इसको एक्यूमुलेट करके इसको ब्रेक कर दिया, अदरवाइज डायरेक्शन हमारी सही रही, इसमें हमें थोड़ा लॉस भी हुआ था। अच्छा मैं डिमांड की अगर बात करूं तो डिमांड हमारे पास यहाँ मौजूद है, अच्छी क्वालिटी की डिमांड जो है वो यहाँ मौजूद है, नहीं यही है अच्छी जो जिसको हम कहते हैं झकास किस्म की वो ये वाली, ऐसे एरिया मुझे बड़े पसंद है। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है न्यूजीलैंड डॉलर, ये एरिया हमारा ब्रेक हो गया था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसका, ठीक है मार्केट ने इसको पानी भी नहीं मांगा यहाँ पर, नहीं थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने एक्युमुलेशन की है यहाँ पर, देन ब्रेक डाउन करके मार्केट ऊपर आए। अच्छा इसी के अंदर एक और एरिया है, इसको रिमूव करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये सिर्फ लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड होगी, और क्या मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट इस तरह के स्ट्रक्चर बनाती है क्या कहते हैं
फीकवल है तो बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। डिमांड में हमारे पास ये एरिया है, मार्केट ने इम्बेलेंस भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है और लिक्विडिटी भी बिल्ड कर दी है, ठीक है। सप्लाई एरिया तक मार्केट अभी गई नहीं है। कैट CHF क्या हमारा जो एरिया हमने यहाँ मार्क किया था अभी तक सही मार्क नहीं किया था, मैं आपको जब FTR समझा रहा था, जबकि वीडियो FTR में जब आपको आपको समझा रहा था ये उसका, ये तो हमने एनालाइज ही नहीं किया काफी टाइम से। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये एरिया जरूर, लेकिन ये अगेन टेस्टेड है इसी की कैंडल से। H4 में देख लेते हैं एक दफा, कोई नस्ली एरिया देखे। नहीं हमारे पास डिमांड कोई क्वालिटी की है नहीं। क्वालिटी एरिया हमारे पास डिमांड का है नहीं। एक मिनट सप्लाई जरा हम चेक कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से हम इसको देखते हैं, मैं किस तरीके से इसको देखता हूँ सप्लाई एंड डिमांड में। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी बताऊंगा वीडियो। सप्लाई भी कोई ढंग की हमारे पास फिलहाल नहीं है। ये है टेस्टेड है, एक ये एरिया जरूर है लेकिन ये काफी फिशी है, इसको रहने देते हैं फिलहाल। केट CHF ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ऊपर है इसकी सप्लाई लेकिन बहुत दूर है। अब सेशन यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, कल हफ्ता है, आज मैं इंशाल्लाह बना लूँगा, बारिश वगैरह नहीं हुई तो कल मैं बनाने बैठा है वीडियो, लेकिन जो इंटरनेट है आपको पता होगा न्यूज़ में भी आ रहा, बिल्कुल बंद था आज सुबह ही, तकरीबन फजर के टाइम पे ये हुआ है ऑन। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज इंटरनेट था ही नहीं। आज भी अगर मौसम ऐसे ही रहा तो इंटरनेट होगा नहीं, पता नहीं क्या कल तो क्या मसला था, आज तो खैर होगा। आज मैं इसकी इंशाल्लाह रात में जो क्या कहते हैं फिबोनाची वाली अल्टीमेट फिबोनाची यूज़ है वो मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।